शब्द दे धारण दिया आप सब नू बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैं थोड़ा समय ज्यादा नहीं लेना, बहुत संखेप रूप में जो मेरी ड्यूटी लगी है मैं उन्होंने निभाऊंगा। असि मत्ती दी अंजील दे चौथे अध्याय 16वें वचन एक बार पढ़ा, मत्ती दी अंजील चौथा अध्याय 16वां वचन। यह वचन जो है, यह वचन एक भविष्यवाणी सी यीशु ने आके पूरी की। मत्ती अंजील चौथा अध्याय 16वां वचन, जेड़े लोग अंधेरे विच बैठे हुए सन उन्होंने बड़ा चानण वेख्या, अते जेड़े मौत दे देश अते छाया विच बैठे हुए सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। आमीन, आमीन। जिन्हां दी जुबान है जुबान ते इस गल ते जरूर आमीन बोलो, आमीन। ए शब्द पूरा होया है, ए भविखबाणी यीशु मसीह ने पूरी की है। ये जिहड़ा देश जिहदे विच असीं बसदे हां, देश मसीह मतलब मैं भारत देश नहीं कहिंदा, देश धरती नूं कहिंदा। और ये देश, ये जिहड़ा शब्द है, ते देश शब्द है, वह किसी एक मुल्क लई नहीं है, पूरी दुनिया लई है। जिहड़ा ये देश है, ये मौत दा देश बन गया सी। ये देश जिहड़ा जमीन है, ये मौत दा देश बन गया सी। परमेश्वर ने ये जमीन मौत दा देश नहीं सी बनाई, परमेश्वर ने ये जमीन जो बनाई सी, सारी कायनात रची सी, मानव जाति नू रचिया सी, ता जीवन दा देश बनाया सी। आमीन। किहड़ा देश बनाया सी बोलो, किहड़ा देश बनाया सी? आपां सुनेहा देण तो रहे, किहड़ा देश बनाया सी? ये केड़ा देश बन गया? मौत का देश बन गया। महापुरुषों ने मौत मात लोग कह के संबोधन किया। अज पवित्र वचन बाइबल की भविखबाणी जो यीशु मसीह ने पूरी की, ए पूरी हुई है कि इस मौत के देश दे विच जीवन आ गया। ओ जीवन कौन है? ओ प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हनेरा मौत दा हनेरा सी, सारे काले कारनामे छुपे हुए सी, पर यीशु ने आके कहा तौबा करो। और जब उन्होंने कहा तौबा करो, ते हर एक व्यक्ति ने जेड़ी गल ओ किसे नू दस नहीं सकदा, ओ उन्हें पुल पर ते बोलनी शुरू करती, लोकां च बोलनी शुरू करती। जिदा जकी ने सारे विच कहा कि मैं लोकां तो हेरा फेरी करके पैसे ले आ, मैं पाप किते आ, मनने शुरू करते थे। अज भी यीशु नू मनन वाले लोग अपने पाप लुकाउंदे नहीं, बल्कि दसदे आ, और दस के जीवन दे बारिश हुंदे आ, प्रकाश विच आ जांदे आ। आमीन। प्रभु दी स्तुति होवे। एक वचन असीं पढ़ांगे, यूहन्ना दी अंजील दा पहला अध्याय। इस वचन तो बाद दे विच अपने मैसेज की मैं समाप्ति करूंगा। यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय, जो पहला वचन है, पहले वचन तो पढ़ते हाँ। आदि में शब्द सी, और शब्द परमेश्वर दे संग सी, अते शब्द परमेश्वर सी। एहो आदि में परमेश्वर दे संग सी, सब कुछ उस तो रचिया गया, अते रचना में एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी, अते वो जीवन इंसान दा चानन सी। वो चानन नेरे भी चमकता है, पर नेरे ने उनू ना बुझाया। आमीन। No, no, no.
मैं बेनती करना चाहूंगा कि साढ़े बिच धरती शांति मिनिस्ट्री आएंगे, प्रार्थना भी अगुवाई करेंगे। इस बड़े दिन के दिहाड़े के शुभकामना भी देंगे। तेरा शुक्र स्वामी धन्यवाद तेरे उस मान प्यार ले जो तू सारे जगत नाल प्यार कीता ते अपना अकलौता पुत्र यसू सारे संसार ने दिता पर हर एक जो कोई भी ओदे उत्ते विश्वास करेगा नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा जिंदगी पाएगा। तेरा यसू जी धन्यवाद तेरे उस महान प्यार ले
जो तू सारे छत्र प्यार किया अपना स्वर्गीय सनातन छड़िया इंसान बनिया तू धरती के उत्ते आ सारे संसार में बचाने लिए तेरा धन्यवाद पिता यीशु मेरी दुआई बीत गए समय में तू साडी सब की मदद की है रखाई समय में तेरे पास सौंप दें पिता यीशु तेरा वचन सिखा तुम कहोगे तो तुम्हें दिता जाएगा ताडा वचन सिखा जो खुले दिल में बीजदा तो खुले दिल में बढ़ता पिता यीशु जब तेरे बच्चे खुदा न खुदा तेरे दिते विचों दिन वस जा रहे ने वड्डी बरकत हर दिन नु खोल कोई भी दुष्टि आत्मा किसी के मन सख्त न करे हर कदी सकदन दे फूल दे पत्थर नरम हो जान और इंसान बच्चे बुजुर्ग दिल तेरी खुल जाए हाथ बजा के दान देने तेरा पाक करू मदद करे इस पैसे के वसीले अपने लोगों दया इस खुदा का सारे घर सामने लोगों को पूरा करी से बरकती बरकत यीशु मसीह के नाम मांग ले ना कर परवाह किसे गलती यीशु रखदा खबर हर पल दी ना कर परवाह किसे गलती यीशु रखदा खबर हर पल दी मेरा खुदा है जिंदा खुदा है नगर परवाह किसे गलती ये सुरखदा खबर हर पलदी नगर परवाह किसे गलती ये सुरखदा खबर हर पलदी नगर परवाह किसे गलती ये सुरखदा खबर हर पलदी नगर परवाह किसे गलती मेरा खुदा है जिंदा खुदा है मेरा खुदा है जिंदा खुदा है फिक्र आने वाले पलवी न करे परिवार किसे Thank you.
दोबारा तेरी गल बन गई, गल बन गई है तेरे वल बन गई है, गल बन गई है तेरे वल बन गई, दुनिया के उत्ते फल बल बन गई है, याद दोबारा तेरी गल बन गई, हालेलुया, याद दोबारा तेरी गल बन गई। पूरे पंजाब वासियों नूं, भारत वासियों नूं ते पूरे विश्व नूं बहुत बहुत मुबारकां। ये क्रिसमस का त्यौहार पूरे संसार के लिए उस तरह आनंद का कारण बने जिस तरह ज्योतिषियों ने जदों प्रभु येसु मसीह के दीदार किए, जिथे प्रभु येसु मसीह से उत्थे तारा रुक गया। कलाम बयान करता कि वह बड़े आनंद होए और आजादियों के कोल बड़ी खुशी की खबर आई। परमेश्वर इस तरह सारे संसार के हर एक वसनीक नूं अपने आत्मक आनंद दे नाल भरे, अपनी वड्डी खुशी दे नाल भरे, ताकि हर एक इंसान खुदा दीआं सवर्गी आशीषां नूं प्राप्त करे। एक बार फिर धरती ते शांति ट्रस्ट वल्लों सारे पंजाब भारत पूरे विश्ववासियों नूं बहुत बहुत मुबारकां। नवा साल भी तुहाडे लई वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर होवे। आओ दुआ करिए कि खुदा इस समय दे विच अपने जलाल नूं हर एक दे उत्ते प्रगट करे, जदों इह शोभा यात्रा कढ़ी जावे ते अज दा दिन इतिहासक बन जावे, उसे तरह इतिहासक यादगार बन जावे जिस तरह आजादियां दे कोल खुशी दा पैगाम आया ते ओह दिन इतिहासक बन गया, यादगार बन गया ते ओह दिन इतिहासक बन गया। इसे तरह अज दा दिन जलंधर जिले लई, पंजाब स्टेट लई, भारत देश लई ते पूरे विश्व के लिए यादगारी बन जाए, ताकि हर जिंदगी पाप शराब और मौत के खौफ तो आजादी प्राप्त करे। आओ अखा बंद करिए, दुआ करांगे। मेहरबान पिता, सारी भलाई ते नेकी लई जो अज तेकर कीते तुहाडा धन्नवाद करते हाँ, मंग करते हाँ। महान पिता, अज का दिन हर जिंदगी दे लई जलाल दे नाल भरिया होवे, तेरिया रहमतां दे नाल भरिया होवे। यहोवा अपनी कृपा बहाल करना, शुरू तो अखीर तक तेरा पवित्र आत्मा अगवाही करे। महान प्रभु जी, जो तू तो अपने पुत्र येशु के द्वारा इस संसार के उत्ते कृपा से सच्चाई नूं भेजिया, ते अज हर इंसान तेरी उस कृपा के विच धनी बन जावे, तेरी दया के विच अमीर बन जावे। जिहड़ा इंसान संसार दीआं वस्तां दी दौड़ लाउंदा आ, मैं मंग करदा अज दे दिन तो हर इंसान तेरी कृपा च धनी बन जावे, तेरी रह धनी बन जावे और सारे संसार के लिए महान प्रभु अज का दिन वरकत का दिन बन जावे। अपनी कृपा बहाल करो, सारे समय नूं तुहाडे शक्तिशाली हाथ में दिंदे हां, अनुग्रह करो। प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। तो धन्नवाद करदा हां और बेनती करना चाहुंदा हां कि मैं चाहता सी कि कले कले पासबान का जोड़ा नाम चर्च का नाम जो अनाउंस किया जाए, पर समा इजाजत नहीं दिता। मैं दिल दिया गहराइया तो धन्यवादी हाँ और जोड़ा प्यार अज की शोभा यात्रा के दिखाया है, रेली मैं वह ऋणी हाँ। मैं वो इस प्यार के बदले तो कुछ नहीं दे सकता, पर जेदा करके तुम आए हैं वो एक दिन जरूर तुहानू स्वर्ग दे विच वड्डा फल देगा, क्योंकि आप सारे वख-वख चर्चा तो इस प्रोग्राम विच पहुंचे हैं, क्योंकि ये जिहड़ी शोभा यात्रा आ ये साडी शोभा यात्रा नहीं, साडे प्रभु की यात्रा है, तो आप उहदी यात्रा दे सारे शामिल होने के लिए आए हैं। तो इसलिए तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइआं तो धन्नवाद। बहुत सारिया टीमां ने इत्थे काम किया, बहुत सारे प्रभु के खादम जिहड़े सी वो पिछे रह के भी उन्होंने काम किया, उन्होंने सारे का मैं दिल दी गहराइया तो धन्यवाद करदा। अगर किसी नूं कोई मौका नहीं मिले चाहे गीत गाउण दा या प्रार्थना दा या तुहानूं अगे नहीं बुलाया गया, मैं उहदे लई माफ़ी मंगदा हाँ।
और मैं विश्वास करता हाँ कि तुसी जरूर सानू माफ किया होगा क्योंकि बहुत सारिया कमिया कई बार रह जाए ने और मैं उन्होंने एक्सैप्ट करता हाँ और मैं थानू सारे ने बेनती करना चाहता हाँ कि हूँ जो असी इस जगह तो शोभा यात्रा तोर रहे हैं और इस तो पहला कि शोभा यात्रा तोरिया जाए बिशप साहब जी एक प्रार्थना करके बधाई संदेश दे के और बेनीडिक्शन होएगा उस तो बाद जी शोभा यात्रा जी चलनी है जो रूट आ साडा इतों असी चल के असी मिलाप चौंक उस तो बाद असी जाना हाँ भगत सिंह चौंक हुशियारपुर अड्डा और साईदा स्कूल पटेल चौंक और ज्योति चौंक से आके असी सारे ने अपना वखरा वखरा असी अपने घर रवाना होना है तो मेरी बेनती है कि सारे जिहड़े जिहड़े लोग आ डिसिपलिन नूं मेनटेन जरूर कायम करिए क्योंकि असी चाहते हाँ कि पूरी सब तो पहला बड़े ध्यान नाल सुनिए सब तो पहला अगे बाइबल चलेगी जिहदे ते प्रभु यसु मसीह का पवित्र कलाम लिखा होया है वह अगे बाइबल चलेगी और उस तो पहला बैंड और उस तो बाद बाइबल होगी उस तो बाद जिन्ने भी प्रभु के खादम ने वह अगे चलणगे प्रभु के दास प्रभु दासियां वह फ्रंट लाइन के उत्ते चलणगे और उस तो बाद बाकी कलीसियां दे जिहड़े लोग ने वह जिहड़ियां वह पिछे पिछे आप सारे ने चलना है और मैं विश्वास करता हाँ कि तुसी जरूर इस डिसिपलिन मेनटेन करोगे और असं चाहते हाँ कि हर चौंक के उत्ते प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जिहड़ा है वह दो तो तीन मिनट के विच कीता जाऊगा और जिन्हों वचन वचन सुनाने लिए मौका मिलता वह वचन सुनाइए और जिन्हों प्रार्थना करने लिए मौका मिलता है वह प्रार्थना करिए अज बहुत वड्डा साडे कोल मौका आ कि असी अपने जलंधर शहर के अंदर परमेश्वर के कलाम को फैला दईए और अपने खुदावंद प्रभु यसु का नाम असी उच्चा करना है हालेलुया प्रभु यसु के नाम को उच्चा करना साडे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है साडे विच इक्को ही व्यक्ति विशेष है जो नाम यसु मसीह है हालेलुया ओदा नाम श्रेष्ठ है ओदे नाम नु असी उच्चा करना है और किसी तरह का भी कोई शोर शराबा जिहड़ा है ओ तुसी नहीं करना ताकि आप डिसिप्लिन नु मेनटेन करना है और मैं तुहाडा सारयां दा दिल दीआं गहराइयां तो एक बार फिर धन्नवाद करदा होया बाकी दा समां मैं बिशप साहब जी दे हाथ विच दिंदा हां कि ओ इस शोभा यात्रा दे उत्ते आए हुए सारे लोगों नु क्रिसमस दीआं और नवे साल दीआं बधाईआं देणगे हालेलुया सब बोलो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्यारियो मां मसीह विच सब आए हो जीजा नु क्रिसमस दे दियां और नवे साल दियां बधाइयां देना और परमेश्वर तुहानू बहुत वड्डी आशीष देवे और नवा साल भी तुहाडे लई आशीष लै के आए मैं पंजाब वासियां और हर देश देश विच रहिंदे सब लोगों नू यसु मसीह दे नाम विच वधाइयां देना और नवे साल की मुबारकबादी देना सो प्यारियो आइए प्रार्थना करिए बड़ी वड्डी खुशी की गल आ अज दा हजूम अज दा तुहाडा प्यार वेख के मैं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदा होया बड़ा खुश हाँ कि असीं जलंधर के अंदर यसु मसीह दे नाम विच शोभा यात्रा विच शरीक होए हाँ और प्रभु अगे प्रार्थना करिए प्रभु साडा सफर मुबारक हालेलुया आइए दुआ करिए आसमान जमीन दे मालक मसीह यसुए साडे स्वर्गी पिता तुहाडा शुक्र तुहाडे नाम की तारीफ करदे हां जद पिता शोभा यात्रा रवाना हो जा रही है तेरे दूत अगवाई कर जगह जगह ते रुकिए तेरे नाम की मनादी की जाए तमाम लोगों की प्रार्थना की जाए ताकि सब लोग पाप तो पछताप करके हमेशा का जीवन प्राप्त कर पिता जी अपने दासां नूं और वड्डी बरकत दे जनेटिक पास वेलफेयर एसोसिएशन से क्रिश्चियन मूवमेंट के सारे मैंबरां ते होर सेना पंजाबी मिनिस्ट्री से तुहाडी आशीष ते बरकत चाहुंदा बाकी समय च मदद करो प्रभु यीशु के पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां आमीन आमीन